ने दरअसल 9 होर उम्मीदवारों नूं टिकट दिती है ते उचाना तो ब्रजेंद्र सिंह ते दाग खेडिया गया है कांग्रेस पार्टी के वालों। इस विचाले थानेसर तो अशोक अरोड़ा नूं उम्मीदवार बनाया गया है तो शाम तो अनिरुद्ध चौधरी नूं मैदान च उतारिया गया है ते गनौर तो कुलदीप शर्मा टिकट दिती गई है। इस नाल ही टोहाणा तो परमवीर सिंह ते अपना भरोसा जताया गया है। बलराम डांगी नूं महम तो टिकट दिती गई है ते नांगल चौधरी तो मंजू चौधरी नूं अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बादशाहपुर तो वरदान यादव ते डाक खेडिया गया है। गुरुग्राम तो मोहित ग्रोवर नूं मैदान च कांग्रेस पार्टी दे वल्लों उतारिया गया है। जिक्रयोग है कि अनिरुद्ध चौधरी तो शाम तो बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी के चचेरे भरा ने। इसे तरह उचाना तो उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह चौधरी बिरेंद्र सिंह के बेटे ने जो हाल ही च भाजपा छड़ के कांग्रेस पार्टी शामिल होए सन ते ब्रजेंद्र सिंह की माता उचाना तो ही भाजपा की टिकट तो विधायक रह चुके हैं। देर रात ही कांग्रेस के वालों अपनी सैकेंड लिस्ट जारी की गई है। इस तो पहला जैसे जिक्र करिए तो 32 उम्मीदवार की जो लिस्ट है कांग्रेस पार्टी के वालों जारी की गई थी। बीजेपी के वालों भी अपनी 67 यानी कि 67 उम्मीदवार चोन मैदान च उतार दिते गए हैं। हालांकि चर्चावां हुण वेख्या होएगा कि जो आने वाले दिनों 5 अक्टूबर असेंबली इलैक्शन ने हरियाणा च 8 अक्टूबर नतीजे ऐलाने जाएंगे। उस तो पहला हर सियासी पार्टी की जो सरगर्मी है तेज हो चुकी है तो हुण कांग्रेस पार्टी के वालों अपनी दूजी लिस्ट देर रात जारी की। अज अकाली दल सुधार लहर ते आगुआं दी पेशी होएगी। दस के अज अकाल तख्त साहब ते पेश होणगे परमिंदर सिंह ढींडसा। ढींडसा पेश होके अपना स्पष्टीकरण उन्हां दे वल्लों दित्ता जाएगा। जिक्रयोग है कि बीबी जगीर कौर भी अकाल तख्त साहब ते पेश होणगे ते अपना स्पष्टीकरण उन्हां दे वल्लों दित्ता जाएगा। अकाल तख्त साहब ने पेश होण दा हुक्म जो है वह सुनाया। श्रोमणी अकाली दल सरकार दे वेले होईआं भुल्लां दे लई स्पष्टीकरण मंगिया गया सी अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह दे वल्लों। 30 अगस्त को जिक्रयोग है कि सिंह साहिबाना की कत्तरता सी ते अकाल तख्त साहब की फसील तो ही जो आ गल आखी गई सी यानी कि सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाइया भी उन्हां दे वल्लों करार दित्ता गया सी। जिक्रयोग है कि अकाल तख्त साहब दे जथेदार दे वल्लों कहा गया सी कि 2007 तो लैके 17 तक जिन्हें भी अकाली जो सरकार दा सिख चेहरा कैबिनेट मंत्री रहे ने वो अकाल तख्त साहब पहुंच के अपना स्पष्टीकरण देन ते एक एक करके सारे मंत्री पहुंचेंगे। ते आज परमिंदर सिंह ढींडसा ते बीबी जग्गी कौर जो अकाली दल सुधार लहर दा हिस्सा ने बागी तड़े दा हिस्सा ने वो अकाल तख्त साहब उत्थे पहुंचेंगे ते इस विचाले अपना स्पष्टीकरण उन्हां दे वल्लों जो है वो सौंपिया जाएगा। जगीर कौर ने सलाहकार अते एग्जैक्टिव मैंबर दा अहुदा छड्ड दित्ता है ते अज बीबी जगीर कौर ते परमिंदर सिंह ढींडसा अकाल तख्त साहब उत्थे पेश होणगे ते अपना स्पष्टीकरण उन्हां दे वल्लों सौंपिया जाएगा। ते श्री अकाल तख्त साहब अगे हाजरी हुण तक ये चेहरे हो चुके ने। तमाम तस्वीर तुसी वेख पा रहे हो। इस दे विचाले तमाम तस्वीरां ने दलजीत सिंह चीमा पेश हो चुके ने। जैसे जिक्र करिए ते शरणजीत सिंह ढिल्लों साबका मंत्री रहे सी वो भी पेश हो चुके ने। अपना मीन स्पष्टीकरण उन्हां दे वल्लों सौंप दिता गया है। गुलजार सिंह रणीके भी पेश हो चुके ने। सुखबीर सिंह बादल साबका डिप्टी सीएम वो भी पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दे चुके ने। बिक्रम सिंह मजीठिया सीनियर अकाली आगू वो भी पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दे चुके ने। मनप्रीत सिंह बादल भी पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दे चुके ने। सुच्चा सिंह लंगा भी पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। यानी कि 13 सितंबर नूं आ म्याद खत्म होएगी क्योंकि 30 अगस्त नूं आ फरमान अकाल तख्त साहब दे जथेदार दे वल्लों सुनाया गया सी। एक एक करके सारे जो साबका अकाली आगू ने जो कैबिनेट दा चेहरा रहे ने एक एक करके पहुँच रहे ने ते अकाल तख्त साहब दे सकत्रे च अपना स्पष्टीकरण इन्हां दे वल्लों सौंपिया जा रहा है। जे असीं अज दी गल करिए ते अज बीबी जगीर कौर ते इस दे विचाले परमिंदर सिंह ढींडसा अकाल तख्त साहब दे सकत्रे च पहुँच के अपना स्पष्टीकरण देंगे। 13 सितंबर नूं म्याद खत्म हो रही है। जिक्रयोग है कि 13 सितंबर तो बाद सिंह साहिबाना दे वल्लों इकत्रता सद्दी जाएगी ते अकाल तख्त साहब दी फसील तो धार्मिक सज़ा दा जो ऐलान है वह सिंह साहिबाना दे वल्लों कीता जाएगा। पंजाब च अज ओपीडी सेवा बंद रहेगी। जिक्रयोग है कि सरकारी हॉस्पिटल च 3 घंटे लई ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगे। दरअसल पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन दे वल्लों आ फैसला किया गया। अज सवेरे 8 बजे तो लैके 11 बजे तक ओपीडी सहूलत जो है
को नहीं मिलेगी। अगले तीन दिन तक सवेरे 3 घंटे आ ओपीडी सर्विसिज बंद रहनगियां तमाम पंजाब के हॉस्पिटल्स। दरअसल सुरक्षा भर्ती तेरे प्रमोशन की मांग को लेकर एसोसीएशन के वलों इस बाबत फैसला लिया गया है। 16 सितंबर तक मंगा ना मनिया गईयां तां वड्डे प्रदर्शन की चेतावनी एसोसीएशन दे वल्लों दित्ती गई है। जिक्रयोग है कि पहला पूरी तरह ओपीडी बंद रखने का ऐलान किया गया सी ते बीते दिनां च ही सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह दे नाल बैठक भी हुई सी। सेहत मंत्री की अपील तो बाद एसोसीएशन ने आ बदलाव किया है ते तमाम तस्वीर ते इस विचाले अज जो ओपीडी सर्विसिज ने तमाम पंजाब के हॉस्पिटल्स 3 घंटे लिए बंद रहनगियां सवेरे 8 बजे तो लैके 11 बजे तक। तो जाहिर जी गल है कि जे ओपीसी सर्विसिज बंद रहनगियां तो जो आम लोगों खास करके जो मरीज होंगे ने उन्होंने खजल खुआई का सामना जो है वह करना पै सकता है। देखो जी फिलहाल असं एक हफ्ते का प्लैन इशू किया है, उनके 9, 10 और 11 पार्शियल ओपीडी क्लोजर रहेगा 8 तो लैके 11 तक 11 AM सवेरे टाइम है। उस तो बाद 12, 13 और 14 तरीक न थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुकम्मल ओपीडी सर्विसिज बंद होर कुछ सर्विसिज भी बंद रहनगियां। एक कॉल सिर्फ साडे जो पक्के रेगुलर डॉक्टर्स ने जो सिविल हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पोस्टेड ने उन्होंने लागू होंगी। एक कॉल पहली डिमांड था जी जो जो दसिया तुम्हें मैं कि सिक्योरिटी एट वर्क प्लेसिज बहुत जरूरी है, खास तौर पर साडे केडर के 60% तो उपर जो फीमेल स्टाफ है डॉक्टर्स भी पैरामेडिकल भी उनके लिए सिक्योरिटी इंश्योर करना सरकार का फर्ज है। दूजा डॉक्टर की रेगुलर डॉक्टर की नियमित तौर पर भर्तियां बहुत जरूरी ने, अराउंड 50% काडर जो है पीसीएमएस का डॉक्टर का खाली पे है जिंदे करके मरीज बहुत खज्जल होंगे ने जो डॉक्टर उन्होंने सीट पर बैठा नहीं मिलता शॉर्टेज होने करके जी। तीजा असं क्या है कि डॉक्टर जो जिन्हें भी डॉक्टर सीनियर ने ऑलरेडी डिपार्टमेंट से है उन्होंने डिपार्टमेंट से रिटेन करने उन्हों की जो जरूरी ये है कि उन्होंने जो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन जो 2021 पिछली सरकार ने रोकते थे उन्होंने बहाल सरकार करे जी ताकि जो रिटेंशन ऑफ मेडिकल अफसर है वो इंश्योर हो सके जी। तो चौथा असं ये क्या है कि जो साडे पे कमीशन के एरियज ने वो बहाल सरकार करे। सरकार एक्शन मोड से इस मामले पर आ भी गई है, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट 4 करोड़ का प्रपोजल भेजा कि 12 करोड़ सेंक्शन होकर आ गए हैं, 28 करोड़ हले डिमांड द्वारा भेजी गई है। सरकार वालों काम तो जारी है पर ऑन ग्राउंड हाल तक सानू सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ने वो देखने नहीं मिल रहे हैं। अगे वधांगे ते गल करांगे कन्हैया मित्तल दी। कांग्रेस जान नूं लैके कन्हैया मित्तल दे वलों एक वड्डा बयान एक वड्डी स्टेटमेंट दित्ती गई है। कन्हैया मित्तल ने कहा कि जल्द कांग्रेस में शामिल होवांगा, मेरा मन है कांग्रेस जान दा, मैं कांग्रेस जाके सनातन नूं प्रमोट करांगा, सनातन सिर्फ एक पार्टी तो नहीं चलता, मैं बीजेपी दे लई नहीं सनातनियां लई भजन गाया है, बीजेपी दे सारे आगू मेरे दोस्त ने मेरे भरा ने। कांग्रेस जान नूं लैके कन्हैया मित्तल दे वलों एक वड्डा बयान स्टेटमेंट दित्ती गई है। उन्होंने वालों कहा गया है कि जल्द ही मैं कांग्रेस शामिल होऊंगा, मेरा मन कांग्रेस पार्टी जान रहा है, मैं कांग्रेस जाके सनातन धर्म नूं प्रमोट करांगा।